एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ खुशियां तो आती ही हैं, पर साथ में माता पिता के ऊपर आती हैं जिम्मेदारियां। अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा ना, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। पर बेटियों को पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, इसका इंतजाम सरकार ने कर दिया है। आपको पता है, साल के केवल 250 रुपए जमा करके आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और उसके साथ ही करोड़ों का कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है मेधा रिखी और आप देख रहे हैं जोश में। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। असल में हुआ यूं कि मेरे पड़ोस में रहने वाली प्रिया भाभी की 5 महीने पहले एक प्यारी सी बेटी हुई है। प्रिया भाभी और अनिल भैया दोनों ही जॉब करते हैं, उससे जो इनकम आती है उससे ही उनका घर चलता है। ऐसे में प्रिया भाभी टेंशन में थी कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी का खर्चा कैसे मैनेज करेंगे। अभी टेंशन तो वाजिब है, पर बीते दिनों मैंने सुकन्या समृद्धि योजना के बढ़े हुए इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो मैंने प्रिया भाभी को उसके बारे में सब बता दिया। अब उनको बताया तो लगा कि इस स्कीम के बारे में तो सबको पता होना चाहिए, इसलिए आज हम आ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? ये भारत सरकार की स्कीम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना शुरू की है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि एक बार ये स्कीम शुरू करने के बाद आप हर साल 250 से 1.5 लाख तक का कोई भी अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी एक साल आपने 1000 रुपए किए तो हो सकता है कि अगले साल 250 ही करें, और हो सकता है कि उसके अगले साल जब आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हो तो आपने 5000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जबकि दूसरी स्कीम में स्कीम शुरू होने के बाद आप हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ही जमा कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम है, बच्चियों का भविष्य आर्थिक रूप से सिक्योर करने के लिए, उनकी पढ़ाई और शादी ब्याह के खर्चे संभालने के लिए। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बच्ची है तो उसका सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। ये अकाउंट बच्ची के पेरेंट्स या लीगल गार्डियन खोल सकते हैं। इसमें एक लिमिट है कि आप 2 बेटियों का खाता ही इस अकाउंट में खोल सकते हैं। इसमें बस एक अपवाद है, अगर आपकी एक बेटी है और दूसरी प्रेगनेंसी में आपकी 2 बेटियां पैदा होती हैं या एक ही बार में आपके घर में 3 बेटियां जन्म लेती हैं, तो उस केस में 3 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत अकाउंट खोला जा सकता है। अब सवाल आता है कि अकाउंट कहाँ से खोलें। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आसपास किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक से आप फॉर्म ले सकते हैं, उसे भरकर जमा करके आपको देना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, जैसे आपका यानी बच्ची के पेरेंट्स या लीगल गार्डियन का आधार कार्ड या फोटो आईडी लगेगा, आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जमा होगा, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो आप हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक या पोस्ट ऑफिस कोई और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे तो वो भी आपको जमा करने होंगे। ये सब करने के बाद आप करेंगे पैसे डिपॉजिट, कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख, ये एक साल का अपर लिमिट है। मतलब आप 250-250 रुपए करके भी पैसे जमा कर सकते हैं अकाउंट में। जब आप एप्लीकेशन जमा कर देंगे तब बैंक या पोस्ट ऑफिस उसको प्रोसेस करेगा। जब अकाउंट खुल जाएगा तब आपको एक पासबुक दे दी जाएगी जिसमें अकाउंट से जुड़ी सारी डिटेल्स होंगी, माने कब कब पैसे डालने हैं, अकाउंट मैच्योर कब होगा आदि। अगला सवाल आता है कि पैसे कितने साल तक जमा करने होंगे। इस योजना के शुरू होने के बाद 15 साल तक आपको हर साल पैसे डालने होंगे। यानी अगर आप 1 साल की बेटी के लिए स्कीम शुरू करते हैं तो उसके 16 साल के होने तक आपको हर साल पैसे डालने होंगे। वहीं अगर आप 5 साल की बेटी के लिए स्कीम में पैसे लगाना शुरू करते हैं तो 15 साल यानी उसकी उम्र 20 साल की होते तक आपको स्कीम में पैसे डालने होंगे। वहीं लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद 50% पैसे निकाले जा सकते हैं। अगर खाता खुलने के 21 साल के बाद भी पैसे नहीं निकाले जाते हैं तो उन पैसों पर सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा,
नॉर्मल ब्याज ही मिलेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है? सरकार हर क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए इंटरेस्ट रेट जारी करती है। जैसे अप्रैल से जून 2023 वाले क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट 8% है। इससे पहले अक्टूबर दिसंबर 2022 और जनवरी मार्च 2023 वाले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट 7.6% था। अब चलिए करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से थोड़ा सा कॉर्पस कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके लिए हमने एक एक्सेल पर कैलकुलेटर बनाया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि है 1.5 लाख रुपए वो एंटर किया है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ आप फाइनल अमाउंट देख सकते हैं। 15 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए अप्रॉक्स 70 लाख का फंड बिल्ड कर सकते हैं जो कि किसी भी सरकारी स्कीम में से सबसे ज्यादा है। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कैलकुलेटर में एडिट करने के लिए आपको उसको डाउनलोड करना होगा। इस स्कीम के कुछ अच्छे फीचर्स में ये भी शामिल है कि 10 साल की होने के बाद बच्ची खुद भी बैंक जाके पैसे जमा कर सकती है। 18 साल की होने पर अपना अकाउंट वो खुद भी मैनेज कर सकती है। आप साल में जितना भी पैसा इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। इसके साथ ही ट्रांसफर होने पर इस खाते को आप अपनी नई लोकेशन पर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। वहीं अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। उससे दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको 50 रुपए का फाइन देना होगा और मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। इतना ही नहीं, ये स्कीम सरकार की उन चुनिंदा स्कीम में शामिल है जो कि EEE यानी exempt कैटेगरी में आती है। आपको बता दें कि exempt का मतलब है कि इन्वेस्टेड अमाउंट, अर्नड इंटरेस्ट और फाइनल कॉर्पस तीनों ही हर तरह के टैक्स दायरे से बाहर है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस अकाउंट का फायदा बच्ची को तभी तक मिलेगा जब तक वो भारत की नागरिक है। अगर वो भारत की नागरिकता छोड़ देती है तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस या जहां भी अकाउंट खोला गया है वहां इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद खाता बंद करके पैसे लड़की या उसके पेरेंट्स या जो भी उसका लीगल गार्डियन है उनको दे दिए जाते हैं। वहीं SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को भी ध्यान में रखा गया है। अगर बच्ची के पेरेंट्स या गार्डियन का निधन हो जाता है तो भी ये खाता बंद करके पैसे लड़की या उसके परिवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। या फिर खाता चालू रखा जा सकता है और लड़की जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक जमा किए गए अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वहीं अगर लड़की का असमय निधन हो जाता है तो ये पैसे गार्डियन या पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और अकाउंट बंद कर दिया जाता है। अब इतनी जानकारी लेने के बाद प्रिया भाभी ने तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डालने का मन बना लिया है। वो तो इस योजना की जानकारी अपने उन दोस्तों को भी देने वाली है जिनके घर में 10 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं। आपको बता दें कि इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक करीब 2.73 करोड़ बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोले जा चुके हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ छूट गया हो तो वो भी हमें बता दीजिएगा। आप देखते रहिए जोशमनी। शुक्रिया।